अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां गरबा पंडाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 युवकों की पिटाई कर दी। घटना शनिवार रात को कालिदास अकादमी में गरबा पंडाल में हुई। दरअसल एक वर्ग विशेष के 3 युवकों के गरबा पंडाल में प्रवेश की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर तीनों युवकों की पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। युवकों को बचाने पहुंची पुलिस से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तीखी बहस भी हो गई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हिंदूवादी संगठनों ने रोक लगाई है। उज्जैन में भी इसका असर देखने को मिला है। कालिदास अकादमी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 युवकों को पकड़कर उनकी पहचान पूछी। तीनों एक वर्ग विशेष के निकले। इसके बाद भीड़ उन पर टूट पड़ी। इसी बीच थाना माधव नगर की पुलिस तीनों युवकों को बचाने आई तो पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। नवरात्रि शुरू होने से पहले प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की थी। साथ ही आधार और आईडी कार्ड चेक करने के बाद ही प्रवेश देने की बात कही थी। इसी दौरान उज्जैन आवाहन अखाड़ा के महामंडलेश्वर अतुलेशानंद ने भी गरबा पंडालों में बिना आधार दिखाए और तिलक लगाए युवकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद शहर के कई गरबा पंडालों में आधार कार्ड चेक करने के बाद ही युवकों को एंट्री दी जा रही थी।